क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज मैं आपको एक नए सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूँ जो कि मेरा बहुत फेवरेट पेपर है, वन ऑफ द फेवरेट पेपर है। क्यों फेवरेट पेपर है? क्योंकि मेरा मास्टर डिग्री इसी पेपर में है, ठीक है। मास्टर इन पावर सिस्टम से मैं एमटेक किया हूँ। तो ये सब्जेक्ट जो है से पावर सिस्टम का ही आपका पार्ट है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। जैसे कि पावर सिस्टम आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आप लोग पावर सिस्टम को थर्ड सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे पावर का जनरेशन पढ़े होंगे, यस पावर जनरेशन पढ़े हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में पावर जनरेशन पढ़े होंगे आप, सॉरी फर्स्ट सेम बोल रहे हैं, थर्ड में आप ये पढ़े होंगे। इसके अलावा फोर्थ सेम में पढ़े होंगे, फोर्थ सेम में TND पढ़े होंगे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप पेपर आप फोर्थ में पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का आगे वाला जो पार्ट है, इसी के आगे वाला पार्ट जो है जो कि आपका फिफ्थ में पढ़ना है, एक पेपर पढ़ना आपका यूटिलाइजेशन पढ़ना है और एक पढ़ना आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ना है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन SWP भी इसको बोलते हैं। अब देखिए हमारा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट किए, मान लीजिए कि आप जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका महाराष्ट्र में बिजली जनरेट हो रहा है, बिहार में आप ला रहे हैं, झारखंड में ला रहे हैं, उड़ीसा में ला रहे हैं, तो आप जनरेट हुआ वहाँ पर आपका महाराष्ट्र में आप ला रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो क्या आपको ट्रांसमिशन का जरूरत पड़ेगा? साथ ही साथ आप यहाँ पर ले आएँ तो आप घर में यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत पड़ेगा। तो आप पढ़ चुके हैं कि पावर जनरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन एक पेपर है और एक पेपर आपका पावर सिस्टम का दूसरा पेपर है जो आप देख रहे हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये जो है से आपका तीसरा पेपर है। तो हम ऑलरेडी यूटिलाइजेशन भी स्टार्ट किए हैं और साथ साथ स्विच गियर प्रोटेक्शन भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। अब आपको एक चीज़ इस सब्जेक्ट का मतलब आप समझिए सबसे पहले, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब आप क्या समझते हैं बताइए? सुरक्षा करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन मतलब। और स्विच मतलब क्या समझते हैं? जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई स्विच है, आप ऑन ऑफ करते हैं ना उसको, यानी कि करंट आ रहा होगा या जा रहा होगा, उसको ऑपरेट करना, ऑन ऑफ करना। गियर मतलब बहुत सारा इक्विपमेंट एक साथ होगा, स्विच गियर उसको बोलेंगे, यानी कि वैसा डिवाइस जिसके द्वारा आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को, आप डिवाइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्विच गियर बोलेंगे। क्लियर है? यानी कि स्विच गियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे कि देखिए हमारा, जैसे कि आप जनरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी बहुत सारा होगा, आपका जनरेटिंग स्टेशन होगा वहाँ भी आपका बहुत सारा इक्विपमेंट लगेगा, रिले लगेगा, सर्किट ब्रेकर लगेगा। इसके अलावा आपका पावर ग्रिड होगा तो वहाँ पर भी बहुत सारा रिएक्टर वगैरह है, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेट और बहुत सारा चीज़ है। तो हम उतना सारा चीज़ ना लेकर के आपको हम घर का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका घर होगा, जैसे आपका हाउस होगा, तो आपका हाउस में देखिए क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपका हाउस होगा, ये आपका घर है। आप अपने घर को अज्यूम कर लें, जिनका जो भी घर होगा, किन्हीं के घर होगा जिनमें दो रूम होगा, किन्हीं के घर होगा तीन रूम होगा, किन्हीं के घर होगा चार रूम होगा। मान लिया जाए कि आपका घर है, ये घर में मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल इस तरह से आपका घर है, यहाँ पर आपका मान लीजिए कि आपका दरवाज़ा है, फॉर एग्जांपल घर का यहाँ पर दरवाज़ा है, और दरवाज़ा के साथ साथ ही आपका यहाँ पर क्या है, लैडर है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर क्या है बताइए, सीढ़ी है, इस तरीके से है। यहाँ पर आपका सीढ़ी है टॉप फ्लोर पर चढ़ने के लिए, यहाँ जाके ऐसे चढ़े फिर ऊपर ऐसे आ रहे हैं, और दरवाज़ा भी है। ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक रूम हो गया आपका, इधर रूम हो गया एक, मान लीजिए कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक किचन हो गया, मान लीजिए यहाँ किचन हो गया, एक और मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका रूम हो गया, इधर भी मान लीजिए कि एक आपका रूम हो गया ऐसा, इधर स्पेस है, इधर में बालकोनी टाइप का आपका छूटा हुआ है एक, इधर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल बाथरूम हो गया, ये जो है आपका फॉर एग्जांपल डाइनिंग स्पेस है, एक अलग रूम हो गया, ये भी क्या होगा, ये गेस्ट रूम हो गया, जो कि जिसका दरवाज़ा इधर से भी है, जिसका दरवाज़ा इधर से भी है। मान लीजिए हम 3BHK फ्लैट बनाएं, ये जो है आपका बाथरूम है, ये जो है आपका फॉर एग्जांपल किचन है, ये जो एक रूम है, ये मान लीजिए कि गेस्ट रूम है,
ये भी आपका एक रूम है, रूम है, ये भी एक अखबार रूम है, मान ले कि चार रूम है इस तरीके से बात करें। ये जो है से आपका इधर स्पेस है, ये बालकोनी है, बालकोनी है मान लिया जाए, बालकोनी है। और ये जो है से आपका आपका बोल सकते हैं कि आपका डाइनिंग रूम है, ये आपका डाइनिंग रूम है, ठीक है, ऐसा है। अब आप देखिएगा कि एक मान ले कि इलेक्ट्रिसिटी का होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मान ले कि सीढ़ी के पास में ही अंदर में आपको यहाँ पर लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सीढ़ी के पास में एक मेन स्विच होगा, और मेन स्विच में के पास ही क्या होगा, सारे रूम का कंट्रोल होगा। यहाँ पर एक MCB लगा रहता है, इस तरह से चारों रूम के लिए अलग होगा, बाथरूम के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल बाथरूम में आपका कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट होता है, ख़राब होता है, तो देखे होंगे कि केवल बाथरूम वाला MCB गिरता है, और जबकि सारा चीज़ क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, यानी कि सारा चीज़ प्रोटेक्टेड है लेकिन केवल बाथरूम वाला गिरा, बाकी पर कोई सप्लाई। मान लीजिए कि आप फॉर एग्जाम्पल इस रूम में आप एक्सेसिव लोड दे दिए, तो क्या होगा, यहाँ का MCB क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ पहले यहाँ पर फ्यूज लगा रहता था, फ्यूज जैसे कि वायर रहता था, वो क्या होता था, मेल्ट हो जाता, आज भी फ्यूज लगा रहता है, ठीक है। तो ये फ्यूज क्या करता है, जैसे ही आपको कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा बताइए, वो फ्यूज क्या होता था, मेल्ट कर जाता था, और आज भी मेल्ट कर जाता है। तो क्या कर रहा है बताइए, आपको बहुत सारा इक्विपमेंट को क्या कर रहा है, आपको बचा रहा है। अगर वो मेल्ट नहीं करता, हो सकता था कि बहुत बड़ा डैमेज हो जाए, ऐसा हो सकता था, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। साथ ही साथ MCB है, इसके अलावा आपका सर्किट ब्रेकर है, ये आपका स्विचेज है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि फ़ैन चलाने का मन है, तो फैन चलाने का मन है तो फैन चला रहे हैं, लाइट ऑफ करने का मन है तो लाइट ऑफ कर दिए, तो स्विच हुआ, तो ये सब क्या है बताइए। अगर मान लीजिए कि 24 आवर आपका फ़ैन चलते रहेगा तो क्या होगा, फ़ैन ख़राब हो सकता है। 24 आवर आपका मान लीजिए वाशिंग मशीन चालू है तो क्या हो सकता है, वाशिंग मशीन ख़राब हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो बताइए क्या चाहिए, स्विचेज चाहिए। और इसके अलावा भी अगर वो ज़्यादा अगर करंट लेने लगे, कुछ फॉल्ट हो जाए, तो पहले ही क्या होना चाहिए, ट्रिप कर जाना चाहिए, यानी उसको क्या करना चाहिए, बचा लेना चाहिए इस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए कि अपने आप को मान लीजिए कि कोई डिवाइस है, तो आपका स्विच गियर क्या है, बीच बीच में आप टेस्टिंग करते रहते हैं ना, अब प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, मेडिकल चेकअप कराते हैं, जैसे थोड़ा फीवर लगने लगा तो आप सोचते हैं कोरोना हुआ कि नहीं, डर जाते हैं ना थोड़ा सा, तो इस तरीके से क्या आप प्रोटेक्शन के लिए फिर क्या करते हैं, टेस्टिंग कराते हैं, बात समझ रहे हैं। तो यानी कि कोई भी चीज़ जो है से, जैसे आपका ह्यूमन बॉडी है भी कि एक तरह का क्या, इसको भी क्या कीजिएगा, टेस्टिंग कीजिएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए स्विचिंग ऑपरेटिंग एंड कंट्रोलिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच गियर बोलते हैं। इसके तहत आपको पढ़ना होगा, सबसे पहला आपका फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, ए आपका ये स्विच गियर क्या है, और इसका नीड क्या है, इसका नेटेसिसी क्या है, प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है, जैसे कि आपका स्विच गियर क्या है, जैसे कि कंट्रोल डिटेल हम बताएंगे, कंट्रोल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, मैनुएट कर रहे हैं, सारा चीज़ को हम लोग क्या बोले, एक साथ मर्ज कर देंगे, तो उसको उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच गियर, यानी स्विच गियर दूसरे को जो प्रोटेक्शन डाल रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच गियर बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें रिले के बारे में पढ़ना है, फ्यूज के बारे में सारा चीज़ का इंट्रोडक्शन है, रिले क्या होता है, रिले क्या होता है, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, फॉल्ट को पहचानता है रिले। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर है, जैसे सर्किट ब्रेकर अपने आप नहीं ऑपरेट होता है, सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता है सिग्नल के द्वारा, कौन पहुंचाता है, तो रिले पहुंचाता है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ट्रिप करता है। इसके अलावा हमारा रिले है, सर्किट ब्रेकर है, बहुत सारा सर्किट ब्रेकर का टाइप्स वगैरह भी है, जो कि स्पेशल टॉपिक दूसरा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस। यहाँ पर सर्किट ब्रेकर का बहुत सारा टाइप है, अगर सर्किट ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है कभी फॉल्ट आए, तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर में, जैसे SFC सर्किट ब्रेकर, इसके अलावा ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, बहुत तरह का सर्किट ब्रेकर है, सारे को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो रिले क्या होता है, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करता है, अपने मन से ब्रेक करता है, नहीं ये आदमी चाहे तो इसको आपको क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, या फिर ऑटोमेटिक ब्रेक करेगा। ऑटोमेटिक कैसे ब्रेक करेगा, जब रिले इसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, जैसे आपके घर में होगा, गाँव होगा तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा, तो ट्रांसफार्मर का देखिए एक लाइन काटने वाला एक होता है, तो क्या है, बेसिकली सर्किट ब्रेकर है, जिससे कि वहाँ से अगर कट कर दिए तो पूरा क्या हो गया, गांव का लाइन क्या हो गया, कट गया, पूरा मोहल्ला का लाइन क्या हो गया, कट गया, तो ये क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव रिलेइंग, रिलेइंग के बराबर बहुत तरह का इसमें रिलेइंग है, डिस्टेंस रिले है, डायरेक्शनल रिले है, ओवर करंट रिले है, ओवर वोल्टेज रिले है, बहुत तरह का रिले के बारे में पढ़ेंगे। ओवर वोल्टेज होगा तब कौन रिले यूज करेंगे, ओवर करंट होगा तब कौन रिले यूज करेंगे, डिस्टेंस रिले कौन कौन सा है, ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले यूज करेंगे, बहुत सारा इसमें रिले के बारे में पढ़ना है।
अल्टरनेटर के बारे में आपका पढ़ना, अल्टरनेटर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे बिजली पैदा करा 24 आवर चलते रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो उसका क्या क्या हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जैसे उसमें ओवर करेंट होगा तो क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन फेल्यूर होगा तो क्या होगा, सारा चीज़ हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे प्रोटेक्शंस। इसी तरह से आपका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर का इंटरनल फॉल्ट, उसमें करेंट लेवल कैसे हम पहचानेंगे। इसमें भी एक रिले यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में भी, जिसको स्पेशल टाइप का रिले बोलते हैं, बकल्ज रिले बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन के लिए बकल्ज रिले का उपयोग किया जाता है। इस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ मोटर का बात करेंगे, इसमें भी एक्सेसिव करेंट होगा तो देखिए हमारा स्टेटर वगैरह का यूज करते हैं, बहुत सारा बात है। तो हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ मोटर के बारे में पढ़ेंगे, अगर मोटर में एक्सेसिव करंट हो जाएगा तो उसमें स्टार्टर का यूज करते हैं, तो ये सब डिटेल में इसमें हम बात करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन, बस बार किसको बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारा आपका ट्रांसमिशन लाइन आकर के मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, बस बार। यानी कि बहुत सारा ग्रीड एक तरह का बोल सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारा क्या हो रहा है आकर के मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बस बार का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बात करें, ये बस बार है, इस तरीके से बस बार है, यानी कि यहाँ पर एक लाइन नहीं है, बहुत सारा अनेकों लाइन यहाँ पर आकर के क्या कर रहा है, मिल रहा है, इसी को क्या बोलेंगे आपका बस बार बोलेंगे। तो बस बार यहाँ पर बहुत सारा इक्विपमेंट होगा, बस बार में बहुत सारा आइसोलेटर लगता होगा, इसके अलावा आपका बहुत सारा यहाँ पर इक्विपमेंट है। तो ये सब सारे चीज़ को हम लोग बस बार में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। सारे को हम फुल डिटेल देखने वाले हैं, हर चैप्टर में बहुत समय लगेगा, हर चैप्टर में आपका 10 से 15 लेक्चर होगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन का कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो इस तरह ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए भी रिले होता है, जैसे कि आपका रिएक्टेंस रिले होता है, इम्पीडेंस रिले होता है, बहुत सारा रिले होता है जिसके द्वारा इसको हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे। न्यूट्रल अर्थिंग, अर्थिंग का क्या नेसेसिटी है आपके लाइफ में, अगर अर्थिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, या न्यूट्रल नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसके बारे में न्यूट्रल अर्थिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर करंट मार दिया, अगर एक्सेसिव करंट होता है तो आपका बॉडी से ना पास करके न्यूट्रल से पास कर जाता, तो सारा चीज़ हम इसमें देखेंगे कि कैसे ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और बात करेंगे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कहने का मतलब है वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसको दो तरह से हम लोग ओवर वोल्टेज बोल सकते हैं। एक होता है कि आपका लाइटनिंग ओवर वोल्टेज होता है, जो कि अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि ठनका से बहुत सारे आदमी सब डिस्ट्रिक्ट में मर गए, जिसको ठनका या बिजली कड़क जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण भी ओवर वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, जो कि देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइन में इस ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा आप देखे होंगे इस तरीके से, ये मान लीजिए आपका ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर तो आपका 3 फेज वायर तो रहता ही है, ये वायर रहता ही है, इसके अलावा क्या होता है, एक देखे होंगे टावर के टॉप से एक पतला सा वायर गुजरता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वायर को लगाया जाता है, जिसको हम लोग अर्थ वायर भी बोलते हैं, ठीक है, या ग्राउंडिंग वायर भी बोलते हैं। अब इसके अलावा जो है एक और ओवर वोल्टेज, जैसे कि अल्टरनेटर मान लिया ऑपरेशन में है और उसके अलावा बस बार से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जोड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, चिंगारी टाइप का निकलता है, तो ओवर वोल्टेज होगा, तो वहाँ पर कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ना। ऐसे भी आप मान लें कि 3 फेज वायर है, आप घर पे लाने के लिए, गांव में घर होगा तो टोका फंसाते होंगे तो यहाँ पर देखते होंगे चिंगारी उत्पन्न होता है, तो सबको कैसे यूज करेंगे। चिंगारी को यहाँ पर हम लोग आर्क फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कि सर्किट इंटरप्शन डिवाइस में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्क कैसे फॉर्मेशन है। यहाँ पर पानी दे करके नहीं बुझाएंगे, पानी दे करके बुझाएंगे तो और बड़ा खतरा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको कुछ स्पेशल फिनोमेना होता है आर्क एक्सटेंशन का, कैसे आर्क को बुझाएंगे, आग लग गया तो कैसे बुझाएंगे, ये सब सारे चीज़ हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत बारीकी तरीके से पढ़ेंगे और वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, जितना भी आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ डिवाइसेस, यहाँ सारे चीज़ आपको दिखने वाला है। और जैसे कि मशीन आप पढ़ते हैं तो मशीन में क्या होता है, कोई चीज़ दिखता नहीं है, वहाँ पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सारा चीज़ आपको दिख रहा है, रिले आपको दिखेगा, सर्किट ब्रेकर को भी आप नज़दीक से जाकर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर को नज़दीक से जाकर देख सकते हैं, अल्टरनेटर को नज़दीक से जाकर देख सकते हैं, तो दिखने वाला है। तो दिखने वाले होने के कारण क्या होगा, ये बहुत बारीकी से आसान से समझ में आएगा। और क्या होगा, ऐसे तो मशीन भी हम बहुत अच्छा से समझा देते हैं तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो है आपको बहुत अच्छा पेपर है, और साथ ही साथ सेमेस्टर में तो सबका इक्वल मार्क्स है, लेकिन ये पेपर बोला जाए आपको कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्पिटिटिव में बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आता है, और मैं जितना बताऊंगा उतना ही से क्वेश्चन आएगा, और हर साल प्रीवियस रिकॉर्ड है SSC JEE UPPCL बिहार लेक सिटी बोर्ड 2-3 साल का क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आता है,
और मैं जितना डिटेक्ट करूंगा उसी से। और इसमें क्या फिक्स क्वेश्चन है, कोई फिक्स क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, थोड़ा रटने वाला भी है, डायरेक्टली आप ध्यान में रखिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को बना दीजिए। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिटेक्ट करते चलता हूँ। और मेरा नोट्स जो होता है ऐसा ना कि पूरा लंबा चौड़ा एक में नोट्स लिखाते हैं, ऐसा हम नोट्स नहीं लिखाते हैं, हम पॉइंट बाय पॉइंट करके नोट लिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा एक बार में देखे तो सारा बात उसको क्लियर हो जाए। और एक पन्ना पढ़ने का किसी को मन नहीं करता, लेकिन एक पॉइंट पढ़ने में समय नहीं लगता और सारा चीज़ को पढ़ जाता है बच्चा। इसलिए सारे के सारे मैं पॉइंट बाय पॉइंट करके सारे चीज़ आपको नोट्स देंगे। और जैसे कोई भी चैप्टर फिनिश होता है तो इसका आपको नोट्स भी देंगे, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम सारे को देंगे, और सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपको गेसिंग क्वेश्चन भी दिया जाएगा। इस तरीके से सारा चीज़ हम लोग इस तरह से डिजाइन किए हैं आपका। तो ये जो है सारा चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगा, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। डिटेल हम बता चुके हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, क्या करना है, और सब लेक्चर्स में, ठीक है, इसमें भी मैं सारे चीज़ बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, और कैसे आपको कोर्स को देखना है। जस्ट इसके बाद आपका होगा वीडियो लेक्चर के जस्ट अंत में आप डाल देंगे, जिससे कि आप कैसे कोर्स को स्टडी करना है, कैसे कोर्स को परचेज करना है, सारा चीज़ जान जाइएगा। और बहुत आसानी तरीके से आपको क्या करना है, कुछ नहीं, प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और कुछ नहीं, पढ़ाई आपका स्टार्ट कर देना है आज से, अभी से, बिना एक भी दिन वेस्ट किए हुए आपको क्या करना है, पढ़ाई को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। और जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। डेली आपको दो दो लेक्चर मैं दे रहा हूँ इस तरीके से कि आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको टाइम पर सिलेबस खत्म हो जाए। हम आशा करते हैं कि आपको अक्टूबर लास्ट होते होते तक मैक्सिमम सिलेबस फिनिश हो जाएगा, बहुत जाएगा तो नवंबर फर्स्ट वीक, जबकि आपका इस बार एग्जाम दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका हो सकता है। मैं आपका कोर्स अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट वीक तक एनी हाउ आपको फिनिश कर देंगे। तो बिल्कुल टाइम से आपका स्टार्ट हो गया सिलेबस, और टाइम से आपका क्या होगा, फिनिश होगा, और सारे सब्जेक्ट फिनिश होगा। और इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ट टेक्निकल एकेडमी क्या है, नंबर वन है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी से ही आप जुड़े तो आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो दोबारा लौट करके नहीं आता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान वे में, बिल्कुल सिंपल वे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो एक हमारा स्लोगन भी है, टू विन रेस ज्वाइन बेस, टू विन रेस ज्वाइन बेस, रेस जीतने के लिए बेस को ज्वाइन करें। तो अगर आप रेस जीतना चाहते हैं, जेई बनना चाहते हैं, तो आज क्या करिए, आप बेस को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और मेरा शुभकामना आपके साथ हमेशा बरकरार है कि आप बिल्कुल अच्छा करें, लाइफ में अच्छा करें और ऊंचा जाएं। आपको फोर्थ सेमेस्टर में तो आपको प्रमोट कर ही दिया गया, इस बार फिफ्थ सेमेस्टर का आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है कम्पिटिटिव पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे को कम्पटिशन्स के लिए ही जाना जाता है। और हम आपको एक स्लोगन भी है, सेमेस्टर के साथ जेई की तैयारी अब है बेस की जिम्मेदारी, ठीक है। तो सेमेस्टर के साथ साथ जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस को ज्वाइन करें। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।